वो दूर बैठा है आपसे, आप मायके में है और वो अपने घर, फिर क्या करे, कैसे उसके हृदय तक अपने हृदय की बात पहुंचाए, कैसे हम उन्हें बताएं कि हम उसे कितना प्यार करते हैं, चाहे वो आपका पति हो, लव पार्टनर हो या प्रेमी हो। आज जो वशीकरण लेकर आई हूँ, बहुत सामान्य सा वशीकरण, परंतु इतना असरकारी कि सामने वाला वही करेगा जो आप कहेंगे। छोड़ गया है वो आपको तो भाग कर आएगा, कॉल ब्लॉक कर दिया हो उसने तो वो कॉल करेगा, अनब्लॉक करेगा, कॉल करेगा। प्यार नहीं करता वो आपसे तो आपसे भी ज्यादा वो प्यार करेगा। एक बात बता दूं, आज जो वशीकरण बता रही हूँ ये केवल पत्नियां पति पर ना करे, पति ही पत्नी पर ना करे, माँ बाप भी अपने बच्चों पर कर सकते हैं, आप अपनी सास पर कर सकती हैं, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति पर ये कर सकते हैं जिसे आप अपनी बात मनवाना चाहते हैं। मैंने क्यों कहा, माँ बाप अपने बच्चों से करवा सकते हैं, कभी कभी बच्चे बड़े बिगड़ने लगते हैं, हमें चिंता होने लगती है, माता पिता एक जगह रह रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कहीं और, तो फोन भी नहीं करते, फोन करने पर बहुत जल्दबाजी में उठाते हैं, क्या बोल रहे नहीं बता रहे, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहे, माँ बाप चिंतित हो जाते हैं, बच्चा तो हाथ से निकल गया, अब क्या करें, इस उम्र के बड़े बच्चे को आप पकड़कर घर में भी नहीं रख सकते। तब माता पिता कर सकते हैं फोटो वाले ये छोटा सा वशीकरण, बच्चा सामने से फोन भी करेगा और अपने हृदय की सारी बातें भी बताएगा और आपके पास भी आएगा। यदि सास आपके घर में डेंजरस हो, डेंजरस शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ, सास तो माँ होती है, माँ से भी श्रेष्ठ होती है, पर पता नहीं क्यों मेरी इतनी बहनें लिख रही हैं, दीदी हमारे घर में सब ठीक है, हमारी सास ही जीना मुश्किल कर दी है, मेरे पति के कान भरती है, मेरा जीवन नर्क बना दी है। तब मेरी बहनों, यदि सास सच में आपकी इतनी परेशान आपको कर रही है, तब आप सास की तस्वीर के साथ कर सकते हैं ये छोटा सा प्रयोग, सास आपकी जुबान बोलने लगेगी, सामने से आएगी, आरती उतार कर आपके हाथ पकड़कर आपको अपने घर लेकर जाएगी और कहेगी अब ये मालकिन सिर्फ तुम ही संभालो, मुझसे नहीं होता, अभी गृहस्थी तुम संभालो, मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे देना। ये सत्य है, तस्वीर से, फोटो से जो आज मैं वशीकरण बता रही हूँ, कोई एक रुपये का खर्च नहीं है, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, किंतु रोए नहीं मेरी बहनों, यदि पति छोड़ गया है, आपको परेशान कर रहा है या आप मायके में है तो रोए नहीं, करें एक छोटा सा फोटो का वशीकरण, वो भाग कर आएगा और आपको लेकर जाएगा। ऐसा है ये अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण। वशीकरण दो प्रकार से होती है, एक सेल्फ जो आप कर सकती हैं और एक जो दूसरों से करवाया जाता है। तो जब भी दूसरे कोई वशीकरण करते हैं तो तंत्र विद्या के द्वारा करते हैं, और ऐसा कभी ना करवाएं, मैं बिल्कुल ही रिकमेंड नहीं करती हूँ कि तंत्र विद्या से आप किसी पर कोई वशीकरण करवाएं, इससे जिसका नाम, जिसके नाम से आप वशीकरण करवा रहे हैं उनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, और कभी कभी तो कोई गलत तरीके से वशीकरण कर देते हैं कोई तांत्रिक तंत्र विद्या के साथ, तो उसकी जान तक जाने का खतरा होता है, इसलिए भूलकर भी तंत्र विद्या से किसी और के माध्यम से लाखों हजारों रुपए आपसे ठगे जा रहे हैं, वशीकरण ना करें। कई बार मुझे मैसेजेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि दीदी आप कितना चार्ज लेती हैं, आप मेरा काम कर देंगी, आप मेरा वशीकरण कर देंगी। नहीं, मैं कोई भी तांत्रिक वशीकरण नहीं करती हूँ, मेरे चैनल पर जितने भी वशीकरण और टोटके बताए जा रहे हैं वो निःशुल्क है, और मैं खुद आपको करने के लिए कहती हूँ। आज जो तस्वीर की वशीकरण बता रही हूँ 100% सुरक्षित है, मेरी गारंटी है, बिल्कुल ईश्वर का नाम देकर कीजिए, इसमें केवल उसका मन बदल जाएगा आपके प्रति, वो जो नफरत कर रहा है ना, आपकी बातें झूठी लग रही है, उसे यकीन नहीं कर पा रहा, वो आपकी वो प्यार में बदल जाएगा, इतना सेफ है ये छोटा सा वशीकरण। इसीलिए तो मैंने कहा कि माँ बाप करें अपने बच्चों पर, इससे ज्यादा सुरक्षित क्या हो सकता है। किस दिन करना है समझ ले, किस विधि से करनी है, क्या करनी है, यदि सही से किया जाए तो इतनी जल्दी असर करता है कि क्या कहें, और इसमें आपको लगातार करना है। शनिवार को प्रारंभ करें, 12 बजे रात्रि के बाद करें, उस वक्त ब्रह्मांड से बहुत ऊर्जाएं निकलती हैं, हमसे सीधा संपर्क बनाती हैं। 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, बस ब्रह्म मुहूर्त ना आ जाए इतना देर मत कर दें। अपने बेडरूम में शांति से बैठ जाइए, हाथ पांव धो लीजिए, फेस धो लीजिए, जिससे मन आपका शांत हो जाए। आपके पास एक तस्वीर होनी बहुत जरूरी है, यदि हार्ड फॉर्म में ना निकली हुई हो तस्वीर तो आप मोबाइल पर भी दे सकती हैं, मोबाइल का टाइमर इतना बढ़ा दीजिए, इसकी ब्राइटनेस
और उसका डिस्प्ले का टाइम कि मोबाइल बीच में ऑफ ना हो जाए, उसकी तस्वीर चली ना जाए। आपको एक काजल लेनी है, जो आप घर में काजल रोज लगाते हैं, पुरुष भी है तभी काजल ले। आप थोड़ा सा काजल अपनी इस उंगली में, इंडेक्स फिंगर में आप काजल दें और उस तस्वीर की आंखों में लगा दें। इसीलिए मैंने कहा कागज की फोटो, बिल्कुल ना हो तो मोबाइल को ही बड़ा करके उसकी आंखों में लगा दें। जो काजल आपने उसकी आंखों में लगाया, वही काजल आप अपनी आंखों के से बाहर में भी लगा लें, जरूरी नहीं आंखों के अंदर ही लगाएं, अपनी आंखों में भी टच कर लें। सामने ऐसे बैठ जाएं, उसकी आंखों में आंखें डालकर बिल्कुल एकाग्र मन से पहले 1.5 मिनट तक लगभग उसका चेहरा ध्यान से देखें। उसके बाद आप उसके हृदय में, जहां उसका हृदय दिख रहा है आपको तस्वीर में, वहां पर आपको वही काजल वाली उंगली, काजल अब पोंछ देनी है, काजल नहीं लगानी है, यही उंगली आपको उसके हृदय के पास ऐसे ऐसे लगाएं, उसकी तस्वीर पे लगाएं और अपने मुंह से कहें क्लीम 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 क्लीम। बिल्कुल हल्की मध्यम आवाज में, चिल्लाना नहीं है आपको, 12-1 बज रहे हैं रात के, वैसे भी जरा सी भी भनक हो गई ना घर में किसी को तो पता चलेगा कि ये वशीकरण कर रही है, ऐसे इल्जाम भी ना लगे आप पर कि कुछ कर रही है ये। क्लीम 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 क्लीम, पूरे 108 बार क्लीम कहे उसके हृदय पर हाथ रखकर, आंखें बिल्कुल उसकी काजल वाली आंखों पर। और जैसे ही 108 बार क्लीम पूरा हो, आंखें बिल्कुल आंखें हो उसकी आंखों में और अपनी बात उससे कहे कि आपने ब्लॉक कर दिया है मुझे, अनब्लॉक कीजिए और मुझे कॉल कीजिए, मुझे बात करनी है आपसे। यदि आप चाहती हैं आपके मायके से आपको वो लेकर जाए, तो आप बिल्कुल आंखें डालकर कहें कि मैं बहुत दिनों से मायके में हूँ, अब आइए और सम्मान के साथ मुझे ससुराल लेकर जाइए। यदि आपके बच्चों का खर्चा नहीं देता है, उसे ये बात कहिए कि आपके बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, काफी खर्च हो रहा है, आकर आप इनका खर्चा दें। माता पिता कर रहे हैं तो बच्चों से कहें कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, आकर अपना हाल समाचार बताओ, तुम क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में, हम जानना चाहते हैं, कॉल करो हमें और बताओ। आप अपनी इच्छा अपनी भाषा में, जो आप मनवाना चाहती हैं सामने वाले से, बिल्कुल अपनी भाषा में कहें। जैसे अगर वो सामने होता तो आप जैसे कहते हैं, आप बंगला बोलती, इंग्लिश बोलती, हिंदी बोलती, जिस भाषा में बोलती हैं आप वैसे भाषा में उससे वो बात कहें। उसके बाद उंगली हटा दें, आंखें आप उसके नजरों से हटा दीजिए, उसके बाद तस्वीर आप पोंछ कर हटा दीजिए और ऐसा आप लगातार करने लगे। मैं तो कहूंगी 7 दिन से 11 दिन, लेकिन क्या चमत्कार होता है इस वशीकरण में कि किसी किसी को तो पहला दिन मात्र 1 रात करने से अगली सुबह कॉल भी आता है, कभी कभी तो वो सामने भाग कर आता है, ये भी कहता है कुछ जादू कर दिया क्या तुमने, कल रात तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे बड़ा पछतावा हुआ मेरे किए पर और आज मैं आ गया, चलो। ऐसा भी होता है, तो करें मेरी बहनों ये छोटा सा वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों आज के लिए इतना ही, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।